भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित मंदिर के पास शुक्रवार को ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अर्धनग्न अवस्था में बैठकर एक आंदोलन किया गया। ओबीसी महासभा के इन नेताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने की कोशिश भी की गई। ओबीसी महासभा के साथ शिक्षक संघ, मेडिकल छात्र संगठन भी इस घेराव में शामिल रहा। सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि मध्य प्रदेश में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो विधानसभा में सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे। उधर भोपाल के साथ साथ प्रदेश के कई स्थानों पर इसी तरह के आंदोलन और प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं। कमलनाथ ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तमाशेबाजी में व्यस्त हैं और शिक्षकों व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ रही हैं। प्रदेश में संविदा कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स और भी विभाग हैं, सब में आए दिन हड़ताल हो रही है। हड़तालों का मुख्य कारण शिवराज सरकार का कुशासन और कर्मचारी विरोधी रवैया है।